हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड आर्ट, माय पैशन माय वे बाय निरूपा गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम मिर्ची के पकोड़े बना रहे हैं, हरी मिर्ची के पकोड़े, जिसके लिए हमको मटेरियल चाहिए। यह हमने बेसन लिया है, यह हमने हरी मिर्ची जो ज़्यादा तीखी नहीं है इसको हमने स्लिट करके रखी है यहाँ पे, हरा धनिया, भुना हुआ जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और ये चाट मसाला। और हमको जो स्पाइसेस लगने वाले हैं वो हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम ये अमचूर पाउडर, जीरा, हमको इसकी फिलिंग बनानी है मिर्ची की, तो हमने इसमें अमचूर पाउडर लिया है, जीरा डाला है, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करके हम मिर्ची के अंदर में फिल कर लेते हैं। हमने ये मिर्ची को पूरा अच्छी तरह से फिल कर लिया है। ये जो हमने बैटर बनाया था अंदर, ये ड्राई फिलिंग जो थी इसको हमने इसमें फिल किया है। अब चलिए इसका एक बैटर बना लेते हैं बेसन का। बेसन में हमको जो चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सॉल्ट, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर। इसका हम पानी डाल के एक स्मूथ बैटर बना लेते हैं। हमने ये स्मूथ बैटर रेडी कर लिया है, हमारी मिर्ची भी रेडी है। चलिए अब पकोड़े तल लेते हैं। ये हमने कढ़ाई ली है, तेल चढ़ा दिया है मैंने इस पर। हमारा तेल काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हमारे मिर्ची के पकोड़े डाल देते हैं। कढ़ाई में जितनी आती है उतनी ही डालिएगा। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे और फिर हम इसको निकालते हैं। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हमारी मिर्ची देख लेते हैं एक बार, हम गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। हमारी मिर्ची काफी सुंदर तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग। हमारी प्लेट में इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है हमारी मिर्ची, आप इसे सॉस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइएगा मिर्ची और एंजॉय करिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।